अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी अनम शाहजहान फ्रॉम एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेक्चर फॉर बीएस जूलॉजी एंड बीएस केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। सबसे पहले बेटा देखते हैं आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हम कौन सा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा जब आप लोगों को कंपाउंड दिया जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो आप लोगों को डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपने उन्हें टेस्ट करके यानी उन डिफरेंट तरह के टेस्ट करने होते हैं, टेस्ट करके बताना होता है कि ये जो सॉल्ट आपको दिया गया है, ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है, ये कौन सा कंपाउंड या सॉल्ट है, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड के आइडेंटिफिकेशन में हम लोगों ने किस तरह से जो टेस्ट है वो परफॉर्म करने हैं, उसके लिए जो हमारे पास मटेरियल रिक्वायर्ड है बेटा उसमें हमारे पास सबसे पहले है ऑक्सैलिक एसिड, सेकंड है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली स्पिरिट लैम्प की जरूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स की जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी और साथ में मैच बॉक्स चाहिए होगा, ठीक है, लैम्प वगैरह को जलाने के लिए, ठीक है बेटा। सबसे पहले जब आप लोगों को कोई कंपाउंड जो है वो दिया जाए, आप लोगों ने सबसे पहले उसकी फिजिकल स्टेट नोट करनी है। फिजिकल स्टेट में आप लोगों के पास जो है वो उसकी एक उसका कलर और उसकी ओडोर आ जाती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है आप लोग देखेंगे कि ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, जो कि ओडोर लेस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये देखिएगा, ये हमारे पास बिल्कुल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्मेल करेंगे तो ये ओडोर लेस होगा, यानी इसकी कोई भी स्मेल जो है वो नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आप लोगों ने सबसे पहला जो टेस्ट करना है वो है उसका बर्निंग टेस्ट होता है ये, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसने उसको आप लोगों ने स्पैचुला के ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है और उसके बाद आप लोगों ने उसको हीट करना शुरू करना है। जैसे आप उसको हीट करना शुरू करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा वो बर्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो बर्न होना शुरू होगा आप लोग देखेंगे कि इसमें जो ये बर्निंग के बाद जो इसमें से हमारे पास जो फ्लेम निकलेगा वो स्मोकी फ्लेम नहीं होगा बल्कि नॉन स्मोकी फ्लेम होगा, जो कि आम नॉर्मल जैसे आप लोग देख रहे हैं वाइट फ्यूम्स हमारे पास निकल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्मोकी फ्लेम, ठीक है। देन हमारे पास होगा, हम लोगों ने क्या करना है, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने थोड़ा सी अमाउंट जो है वो ऑर्गेनिक अपना जो आपका सॉल्ट है वो आप लोगों ने लेना है, ठीक है, और आप लोगों ने उस टेस्ट ट्यूब को जो है वो हीट करना शुरू करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग टेस्ट ट्यूब को जो है वो हीट करना शुरू करेंगे, जो आप लोगों के पास सॉलिड जो है ये सॉल्ट है ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये मेल्ट होना शुरू होगा, मेल्ट होने के बाद जो है ये बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें से जो है वो गैस इवॉल्व होना शुरू होगी, जो गैस इवॉल्व होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये देखिएगा, ये बर्न होने के बाद अब ये देखिए मेल्ट हो गया, अब इसमें से जो है हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, जिसके आप लोगों को जो है वो वाइट कलर के फ्यूम्स भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखिएगा, ये गैस इसमें से इवॉल्व हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। अब बेटा हम चलते हैं इसके सॉल्युबिलिटी टेस्ट की तरफ। आप लोगों ने थोड़ा सी अमाउंट जो है वो को ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है वो वाटर इसके अंदर डाल देना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। आप उसको शेक करिएगा, शेक करने के बाद आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों का सॉल्ट है जो एसिड है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है वो इसमें जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में। इट मीन्स कि इसके अंदर कोई भी एलिफेटिक जो है वो कंपाउंड या एलिफेटिक एसिड प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्वेबल होते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ये देखिएगा, ये इसमें जो आप लोग देख रहे हैं कि ये डिजॉल्व हो गया है, बिल्कुल क्लियर और सॉल्यूशन बना है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास है, हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है ना मैंने पहले से सोल्यूशन बना के रख लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सी अमाउंट है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की ली है और उसके अंदर मैंने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद मैंने उसको शेक किया टेस्ट ट्यूब को, तो वो मेरा सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने थोड़ी सी जो अमाउंट है वो ऑर्गेनिक एसिड जो मेरे पास था, ठीक है, उसको लिया, उसको मैंने जो है वो वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है। उसका वाटर में डिसॉल्व करने के बाद मैंने उसका पहले क्लियर सॉल्यूशन बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाटर में सॉल्युबल है तो उसका क्लियर सॉल्यूशन जो है वो इजीली बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी अमाउंट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है ना उसकी जो है वो डिसॉल्व की है। जैसे ही आप लोग इसमें थोड़ी सी अमाउंट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऐड करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास कंपाउंड होगा ये उसमें सॉल्युबल होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। जैसे ये देखिएगा, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ये देखिए, ये एक मिल्की सा सोल्यूशन बना देगा, लेकिन ये सॉल्युबल होगा। लेकिन आप इसको अगर ज़्यादा देर के लिए शेक करते जाएंगे तो ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग, अगर आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने से ये प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो हमारे पास जो है वो सॉल्युबल हो जाता है और ये क्लियर सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो हमारे पास एक क्लियर सोल्यूशन बनेगा जो कि कंपाउंड जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। ये देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये डिजॉल्व हो चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाया था, ऐसे ही मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन बना के रखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा सा लिया है, उसके अंदर मैंने वाटर ऐड करके उसको शेक किया, टेस्ट ट्यूब को मिक्स किया, तो वो उसमें डिजॉल्व हो गया। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं जो है वो अपना सॉल्ट यानी एसिड ले रही हूँ, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और उसके अंदर मैं जो है ना ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐड करूंगी, जैसे ही इसमें सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे ही हम लोग इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ऐड करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इफ्लोरेसेंस इवॉल्व होगी, यानी एक बुलबुल बनाती हुई जो है वो गैस हमारे पास इवॉल्व होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट बेटा, अब मैंने जो है ना वो हमारे पास एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया अगेन। ठीक है, उसके अंदर जो है मैंने डाला है हमारा जो कंपाउंड है वो ऐड किया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको डाला है इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट जो है वो 2 से 3 ड्रॉप्स जो है मैंने डाले हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बेटा थोड़ा सा जो है डेंजरस होता है, इसको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी जो अमाउंट है मैंने डाली है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, और अब हम उसको हीट करेंगे। जैसे ही आप उसको हीट करेंगे, ठीक है, जो कंपाउंड है वो सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व होना शुरू होगा, साथ ही इसके अंदर से जो है वो हमारे पास गैस इवॉल्व होगी, जो कि गैसेस होंगी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो बहुत स्पार्क के साथ ये गैसेज यानी बहुत तेज़ी से ये गैसेज इवॉल्व होती हैं, इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा, इसको हम लोग कहते हैं ये स्पीडी रिएक्शन है। ठीक है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये देखिएगा अभी जैसे ये हीट अप होगा, इसमें से बहुत तेज़ी से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो निकलेगी। ये है बेटा कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका, इट मीन्स अगर ऐसी कोई गैस आपके पास इवॉल्व होती है सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करने से, इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक सॉरी ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। कि देखिएगा आप कैसे इसमें से गैस निकल रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। ये था बेटा आज का हम आप लोगों का टॉपिक, कन्फर्मेटरी टेस्ट या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट प्रैक्टिकल।